रहमान रहीम ए प्लस स्कूल सिस्टम। सो टुडे इज़ योर सेकंड लेक्चर हैविंग द यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4 विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैसेज नंबर 2। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ। اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا rendered useful services in this regard۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سلسلہ میں مفید خدمات انجام دیں۔ शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। आपने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। जब आपको कुछ ना मिला कुडंट फाउंड, जब आपको कुछ ना मिला तो आपने अपनी कमरबंद के साथ ऊंट की पुश्त पर खाना बांध दिया। ठीक है, टाइड फूड का मतलब है खाना बांध दिया। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमात पर शी वॉज़ गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन्नातकीन बाय द रसूल। इस खिदमत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको ज़ातुन्नातकीन का लकब दिया गया। ज़ातुन्नातकीन का मतलब है दो पलड़ों वाली औरत, दो चादरों वाली औरत। ड्यूरिंग द पैलेस जर्नी, इस पुरखतर सफ़र के दौरान, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन, ये हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था, टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पुरखतर के सफ़र के दौरान ये हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था। कि अकल इस्लाम हजूर सल्लम तक खाना पहुँचाया जाए। द सिचुएशन वॉज सो डेलीकेट, कहता है सूरत हाल इतनी नाजुक थी, डैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लम। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि हल्की सी गलती भी हजूर सल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। द ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय द हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। द ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत अस्मा ने बड़ी बखूबी से अंजाम दिया। नाइसली अंडरटेकन, बड़ी बखूबी से अंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद नाइट विद द पैक ऑफ फूड शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ थॉर। आप हर रात खुराक की गठरी के साथ उन नाहमवार पहाड़ियों की तरफ पुरखतर सफ़र करती जहाँ पे गारे सौर वाक़या है। शी टुक केयर ऑफ़ द मैन्यूट डिटेल्स इन अकम्पलिशिंग द टास्क। आप काम को सर अंजाम करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए छोटी छोटी मालूमात की खबर रखती, ख्याल रखती। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर द हर टू ट्रांसवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बींग डिटेक्टेड। मुसलसल पकड़े जाने के खौफ से उन पथरीले रास्तों पर चलना आपके लिए किस कदर मुश्किल रहा होगा, जस्ट इमेजन। So I am also giving the Urdu translation for your convenience, so you can also study it. So now we are going to read the letter number 6. Bismillah rahman rahim, letter to your brother about the importance of the study of science subject. Aapne apne bhai ko khat likhna hai jisme aapne science ke mazameen ki ahmiyat pe aapne roshni dalni hai, aur maine isse pehle aapko bataya tha ye jo jail road lahore likha hai inki jagah pe aap examination hall comma city a.b.c.my22
2020 और एंड में आप फुल स्टॉप पुट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। कहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ख़त आपकी अच्छी सेहत की ज़मीन होगा, ज़मानत होगा। यू हैव नाउ बीन प्रमोटेड टू क्लास 9। अब तुम 9वीं जमात में दाखिल हो चुके हो। इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू स्टडी ह्यूमैनिटीज़ और साइंस सब्जेक्ट्स। आप कहता है ये तुम पे है, तुम्हारा ही फैसला होगा कि आया कि तुम जो है वो आर्ट्स के मज़ामीन रखना चाहते हो या कि साइंस के। द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्रेस्ड वेरी मच इन द फील्ड ऑफ साइंस। कहता है साइंस के मैदान में, शोबे में दुनिया तो बहुत तरक्की कर चुकी है। इफ़ यू वांट टू कीप पेस विद इट, अगर तुम दुनिया के साथ चलना चाहते हो, वी मस्ट कीप आवर नॉलेज ऑफ साइंस अप टू डेट। तो हमें अपने साइंस का जो इल्म है वो बहुत ज़्यादा उसको रोशन रखना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा जिसे आप उर्दू में कहते हैं इंग्लिश में अपडेट रखना पड़ेगा। आपको हाउ नो रखनी पड़ेगी कि क्या दुनिया में कहाँ पे चल रहा है। एवरीवन शुड नो द बेसिक्स ऑफ साइंस। कहता है हर किसी को जो साइंस की बुनियाद है, जो बेसिक है, उसको तो जानना चाहिए ना। सो आई वुड एडवाइज़ यू टू स्टडी साइंस एट लीस्ट अप टू द मैट्रिकुलेशन लेवल। कहता है मैट्रिक के बाद चाहे जो मर्जी कर लेना, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैट्रिक का कम अज़ कम तुम जो है साइंस रखो। इसके बाद कहता है कन्वे माई सलाम टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचा दो। योर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारा मुखलिस एक्स वाई जी। सो दिस इज़ लेटर, सो यू आर बाउंड टू लर्न इट एंड ऑल्सो राइट इट ऑन योर रजिस्टर। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। थैंक यू, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़।